परमिशन बेरिंग सिग्नल है, एक आपका लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है ना। तो सिग्नल्स को हम कई नामों से जानते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे आपका मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि दो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका इंफॉर्मेशन बेरिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और आपका हो गया कैरियर। तो कैरियर जो है, कैरियर की प्रॉबलिटी और मैसेज सिग्नल्स की प्रॉबलिटी के हिसाब से हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस डिसाइड होता है कि हमारा, अगर हम जो है कैरियर में जनरली क्या करते हैं कि हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स में साइनसोइडल कैरियर वेव को लेते हैं, साइनसोइडल कैरियर वेव को लेते हैं। एक सेकेंड, मेरी ये आवाज आ रही है? यस हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है तो उसमें दो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तो सिग्नल और एक कैरियर। तो सिग्नल को मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की तरीके से भी जाना जाता है, और आपका जो कैरियर है, कैरियर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली आपका जो कैरियर है वो कैरियर यहाँ पे साइनसोइडल सिग्नल्स के फॉर्म में यूज करते हैं। इसलिए हम इस प्रकार के जो मॉड्यूलेशंस होते हैं हम उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। तो जनरली आपका, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, तो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे कि कोई भी जो कैरियर होगा वो कंटिन्यूअस के फॉर्म में होता है। जनरली क्या करते हैं कि हम कैरियर को साइनसोइडल के फॉर्म में उसको लेते हैं, और आपका मैसेज सिग्नल कोई भी हो सकता है, हालांकि मैसेज सिग्नल भी आपका कंटिन्यूअस के फॉर्म में रहेगा। तो ये वाला जो मॉड्यूलेशन है, इस प्रकार के जो मॉड्यूलेशन को कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं कि आपका जो भी कैरियर है, कैरियर के जो एम्पलीट्यूड जो वाले जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम मैसेज सिग्नल्स के हिसाब से वेरी करते हैं। तो इस प्रकार की जो मॉड्यूलेशन होगा हम उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरियर वी कैन डिसाइड विच टाइप ऑफ द मॉड्यूलेशन यू आर यूजिंग, है ना। तो हम कैरियर की करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, अच्छा कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे आपके एम्पलीट्यूड हो गया, जैसे आपका कैरियर का फेस हो गया, जैसे आपके कैरियर की फ्रिक्वेंसी हो गई, है ना। तो ये सब क्या है कि कैरियर सिग्नल्स की प्रॉपर्टीज है। तो कहने मतलब ये होगा कि हम कैरियर की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम मॉड्यूलेशन को डिफाइन करते हैं। अगर हमारा कैरियर का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के हिसाब से वेरी करता है ना, अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल्स के हिसाब से वेरी करता है, तो इस प्रकार का जो मॉड्यूलेशन होगा हम उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसी प्रकार हम अगर कैरियर के फ्रिक्वेंसी को, इस बात को ध्यान देना, सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी नहीं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी नहीं, हमें कैरियर की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना है मैसेज सिग्नल्स के हिसाब से। तो अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है कि अगर हम कैरियर की फेस को मैसेज सिग्नल्स के हिसाब से वेरी करेंगे तो हमारा हो जाएगा फेस मॉड्यूलेशन। अगर हम कैरियर के फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल्स के हिसाब से वेरी करेंगे तो हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एफएम। आजकल क्या है कि एफएम सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है आप लोग उसको कहते हैं एफएम सिग्नल, क्योंकि आजकल वो हर घर में रेडियो होता है, मोबाइल्स में भी अवेलेबल है और वैन सिस्टम में भी अवेलेबल है, घरों में भी अवेलेबल है। उसमें जो आपका जो एफएम ट्रांसमिशन होता है तो वो आपका जो एफएम ट्रांसमिशन होता है वो यही होता है। उसमें क्या करते हैं हम कैरियर की फ्रीक्वेंसी को, उसमें हम क्या करते हैं हम कैरियर की फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल्स के हिसाब से वेरी कराते हैं। तो ये आपका जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा।
तो इसलिए आपका जो मॉड्यूलेशन है वो कैरियर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे डिसाइड करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? हम जो क्या करेंगे कि कैरियर की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम मॉड्यूलेशन को डिसाइड करेंगे, है ना? तो ये सब सारी जो चीजें हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? यस सर, यस सर। फिर मैंने आपको पिछले क्लास में ये भी बताया था कि हम जो है सिग्नल्स को कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई बताएगा? हाउ कैन व्हाट आर द मेथड इन विच सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड? दो ये सर टाइप्स में टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम डोमेन। डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। बहुत बढ़िया। तो अगर हमें टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो कहने मतलब ये होगा कि अगर हम किसी भी सिग्नल्स को टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सिग्नल हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता है, तो उस प्रकार के जो सिग्नल्स को कहते हैं कि टाइम डोमेन सिग्नल। बिकॉज द सिग्नल इज वेरिंग बिकॉज द सिग्नल इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, एंड टाइम इज द इंडिपेंडेंट डोमेन एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज द डिपेंडेंट डोमेन, है ना? क्योंकि अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे वाई टी इज इक्वल टू साइन टी, वेयर टी इज योर इंडिपेंडेंट डोमेन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द एक्स डोमेन एंड इन द एक्स एक्सिस, एंड वाई टी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेड इन द वाई एक्सिस, राइट? तो कहने मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी भी सिग्नल को टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा टाइम डोमेन सिग्नल। अगर हम किसी भी सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम उसे टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज अच्छा, और कर, और फोरियर सीरीज के हेल्प से भी कर लेंगे। बिल्कुल। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हम कब फोरियर सीरीज यूज करेंगे, कब फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, है ना? तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि उन यस सर, सिग्नल्स का हम जो सिग्नल हमारे लिए पीरियोडिक सिग्नल है ना, तो उन पीरियाडिक सिग्नल्स का अगर हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करना है तो नो डाउट हमें इस टाइप के पीरियाडिक सिग्नल्स का निकालना पड़ेगा फोरियर सीरीज। और हमने ये बताया था कि फोरियर सीरीज जब का मतलब ये होता है कि उसमें एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उसमें आपका पर्टिकुलर वो कंसील हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो साइनसोइडल सिग्नल है तो साइनसोइडल जो सिग्नल है वो अकेले नहीं चलता, कोई भी सिग्नल जो है अकेले नहीं चलता। अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ है ना, कोई भी सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ है और ये हमारा जो सिग्नल पीरियोडिक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ये कभी भी सिंगल नहीं चलेगी, इसके साथ जो है बहुत सारे हार्मोनिक्स कंपोनेंट भी साथ में चलते हैं। जैसे एक डॉन होता है ना, तो डॉन के साथ वो डॉन अकेले नहीं चलता, वो 3 4 लोगों को भी साथ लेकर के चलता है। इसी प्रकार जो है हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फोरियर सीरीज को, कि अगर आपके पास कोई भी सिग्नल पीरियोडिक है, अगर आपके पास कोई भी सिग्नल पीरियोडिक है तो उस पीरियोडिक सिग्नल्स के साथ हमारे काफी सारे हार्मोनिक्स कंपोनेंट भी रहते हैं। अच्छा सर, हार्मोनिक क्या होते हैं? कोई बताए हार्मोनिक्स सिग्नल क्या होते हैं, हार्मोनिक कंपोनेंट क्या होते हैं, हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है? सर किसी फ्रीक्वेंसी के सर जो मल्टीपल्स होते हैं वो उसके हार्मोनिक्स होते हैं। किसी किसी भी फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल कंपोनेंट को उसके हार्मोनिक कहते हैं।
ना, किसी भी सिग्नल्स के अगर कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, किसी भी सिग्नल की अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो उसके मल्टीपल इंटीजर में मल्टीपल जो फ्रीक्वेंसी आती है, हम उसको कहते हैं हार्मोनिक्स, है ना, मल्टीपल के फॉर्म में उसको कहते हैं हार्मोनिक्स। तो अगर कोई भी सिग्नल है, वो हमेशा अकेले नहीं चलेगा, उसके साथ उसके हार्मोनिक्स कंपोनेंट भी साथ लेकर चलता है। तो फोरियर सीरीज ये कहता है कि जितने भी आपके हार्मोनिक्स कंपोनेंट हैं, इंक्लूडिंग उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उन सभी का सम जो है वो हमारा फोरियर सीरीज कहलाता है। इसलिए अगर हम किसी भी पीरियडिक सिग्नल्स का फोरियर सीरीज निकालेंगे, तो उसमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उसमें अवेलेबल हो जाती है। सो दिस इज द वन मेथड टू कैलकुलेट और टू एनालिसिस द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ एनी पीरियडिक सिग्नल, है ना। तो दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्म वी कैन से विच कन्वर्ट द एनी पीरियडिक सिग्नल इन एनी पीरियडिक सिग्नल इन द टाइम डोमेन इन टू द इट्स फ्रिक्वेंसी डोमेन, है ना। तो ये आपका एक सिनारियो है फोरियर सीरीज का, कि हम फोरियर सीरीज का जो सिग्निफिकेंस क्या है मैथमेटिकली जो है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में या आगे की जो क्लासेस है हम उसमें आपको डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, और मैं आपको यहाँ पे जो पीपीटी है वो भी मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी जो पीपीटी है, ये बेसिकली आपका जो ट्रांसफॉर्म है वो आपका नॉन पीरियडिक सिग्नल्स के लिए होता है। पर्पज आपका वही है कि आपका जो टाइम डोमेन सिग्नल है उसको हम फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बाय यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म वी कैन कन्वर्ट द टाइम डोमेन ऑफ एनी सिग्नल इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना। अच्छा, अब चूंकि हमारा जो सिग्नल एक्स टी है ना, एक्स टी, तो सिग्नल एक्स टी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो जो आपका जो सिग्नल एक्स टी है वो कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, जो कि टी है ना। तो कहने मतलब ये हुआ कि आपका जो सिग्नल है वो एक इंडिपेंडेंट डोमेन पे डिपेंडेंट है, तो हम इसको कहते हैं वन डायमेंशनल सिग्नल। वन डायमेंशनल सिग्नल मतलब क्या हुआ, द सिग्नल विच इज डिपेंडेंट ऑन द ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड वन डायमेंशनल सिग्नल। तो आपको वन डायमेंशनल सिग्नल, टू डायमेंशनल सिग्नल, थ्री डायमेंशनल सिग्नल और एन डायमेंशनल सिग्नल। तो इस प्रकार से जो है हम सिग्नल्स को उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि आपका जो वन डायमेंशनल सिग्नल है ना, तो वो आपका एक सिंपल वॉइस सिग्नल हो सकता है, आपका सिंपल मैसेज सिग्नल हो सकता है, आपका सिंपल जो है कोई भी वेव के फॉर्म में सिग्नल हो सकता है। तो ये जो सिग्नल होते हैं आपके वन डायमेंशनल सिग्नल, तो वन डायमेंशनल सिग्नल का मतलब ये हुआ कि ऐसा सिग्नल जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो। तो इस प्रकार के जो सिग्नल होते हैं उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल सिग्नल। उसी प्रकार आपका जो टू डायमेंशनल सिग्नल होते हैं, आपने कभी उसका नाम सुना, इमेज, इमेज या कोई भी फोटो, फोटो के बारे में हम जानते हैं। यस सर अच्छा, फोटो के बारे में यस आपका सर क्या कहना है। हाँ, फोटो को टेक्निकली टर्म्स में कहते हैं इमेज, है ना। तो इमेज को हम किस तरीके से समझेंगे, क्योंकि इमेज जो है एक प्रकार का रेक्टेंगुलर साइज के फॉर्म में रहता है ना। तो उसमें आपके दो इंडिपेंडेंट डोमेन है, यानी कि एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है ना। उसमें हम उसको कहते हैं इमेज को, आपका मतलब ये है कि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। तो अगर हमें किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसमें आपका कॉलम भी रहेगा, उसमें आपका रो भी रहेगा। तो कॉलम और रो, हेयर वी आर यूजिंग टू इंडिपेंडेंट डोमेन। तो इमेज कैन बी कॉल्ड एज ए टू डायमेंशनल सिग्नल, बिकॉज दिस टाइप ऑफ द सिग्नल इज डिपेंडेंट ऑन द टू टाइप ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई। इफ यू आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इन टू द मैथमेटिकल फॉर्म, देन आई एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एम एम कॉमा एन, वेयर एम इज द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉलम।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी इमेज को डिस्क्राइब करना है तो पर्टिकुलर उसके लिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को होना अति आवश्यक है, इसलिए हम इमेज को टू डायमेंशनल सिग्नल भी कहते हैं, है ना। तो आपका वन डायमेंशनल सिग्नल सिंपल म्यूजिक हो गया, सिंपल आपका कोई भी सिग्नल हो गया, कोई भी आपका वन वन इंडिपेंडेंट डोमेन पे जो इंडिपेंडेंट हो हम उसको कहते हैं वन डायमेंशनल सिग्नल। तो वन डायमेंशनल सिग्नल का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, टू डायमेंशनल सिग्नल्स का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अच्छा, थ्री डायमेंशनल सिग्नल जैसे आपका क्यूब होता है, क्यूब आपने देखा है कभी, आपने लूडो खेला, लूडो, यस सर, यस सर। तो लूडो में जो आपका पासा होता है ना, दैट इज इन फॉर्म ऑफ द क्यूब, है ना। क्यूब में क्या होता है कि आपका एक्स एक्सिस भी है, आपका वाई एक्सिस भी है और आपका जेड एक्सिस भी है। तो ऐसा फंक्शन जो पर्टिकुलर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो, तो इस प्रकार के जो सिग्नल होते हैं वो थ्री डायमेंशनल सिग्नल होते हैं, है ना। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एन एम डायमेंशनल सिग्नल। एम डायमेंशनल सिग्नल मीन्स द सिग्नल विच इज डिपेंडेंट इन टू ऑन द एम डिफरेंट वेरिएबल्स, है ना। तो जितने भी अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स पे अगर आपका सिग्नल डिपेंडेंट है, तो वो जो सिग्नल है उसी के हिसाब से डायमेंशनलिटी के बिहाफ पे उसको उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये सिग्नल्स के बारे में आपको समझना बहुत अनिवार्य है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर हमें किसी भी प्रकार के जो सिग्नल्स का हमें एनालिसिस करना है, तो टाइम डोमेन में एनालिसिस करने के बजाय अगर हम उस चीज को हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करेंगे, तो चीजें हम और तरीके से उसको समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से उसको समझा जा सकता है। तो इसलिए आपका कोई भी सिग्नल है, आपकी कोई भी पर्टिकुलर टू डायमेंशनल सिग्नल है या वन डायमेंशनल सिग्नल है, तो इनको समझने के लिए, इनको एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनको जो है फ्रिक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, तो हम उसके फोरियर सीरीज निकालेंगे। फोरियर सीरीज क्या करेगा कि फोरियर सीरीज पर्टिकुलर किसी भी सिग्नल्स को, किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल्स के जितने भी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो सबको निकाल के दे देगा, वो सबको निकाल के दे देगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि आपका जो फोरियर सीरीज है वो पर्टिकुलर किसी भी टाइम टाइम डोमेन सिग्नल्स को वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में वो ब्रेक कर देता है, जिससे कि हमारा जो एनालिसिस है वो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में वो बहुत अच्छा हो जाता है। हम उसको उस सिग्नल्स को हम बहुत आसानी से तरीके से जो है हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज, सॉरी फोरियर सीरीज, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। तो आप जो है हम इसको इसमें यहीं तक आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और अगर इसमें आपको अभी फिलहाल कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि अभी मैंने आपको लास्ट क्लास पे रिपीट किया। अच्छा, एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल ये आज की जो क्लास है उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लास्ट क्लास में नहीं थे, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि आपका एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल, अगर आपका कोई एनर्जी सिग्नल है तो उसकी पावर कितनी होगी और कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये आपके पास जो पीक जो पावर का फार्मूला है, और अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में लिमिट के बारे में अगर ध्यान हो, तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो। पहली चीज ये हम इसको देखो इसके बेहतर से समझेंगे कि अगर आपके पास एनर्जी सिग्नल है तो एनर्जी सिग्नल क्या होता है, एनर्जी सिग्नल का मतलब क्या होगा कि ऐसा सिग्नल जिसकी एनर्जी फाइनाइट हो, है ना। तो अब अगर एनर्जी सिग्नल है तो उसकी पावर कितनी होगी, हम इसको यहाँ से निकालेंगे। पी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 टी इंटीग्रेशन माइनस टी टू टी और मॉडुलस xt² dt। अगर मान लीजिए ये वाला कंपोनेंट जो है ये आपका कहलाएगा एनर्जी, है ना। अगर आपको टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हो तो ये वाला जो पोर्शन है आपकी कहलाएगी एनर्जी। तो मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी फाइनाइट है तो पावर कितनी होगी, अगर आपकी एनर्जी फाइनाइट है तो पावर कितनी होगी, उसको कहाँ से निकालेंगे, हम उसको ऐसे निकालेंगे।
इंटीग्रेशन माइनस टी टू टी मॉडुलस एक्स टी स्क्वायर डी टी दिस कंपोनेंट इज फाइनाइट, दिस कंपोनेंट हैज फाइनाइट वैल्यू, ठीक है ना, और आपकी लिमिट लगी हुई है और यहाँ पे 1/2 t है। तो अगर ऊपर फाइनाइट है और यहाँ पे t है और t पे लिमिट लगी हुई है इन्फिनिटी की, तो p की वैल्यू क्या बन जाएगी? कोई बताए? भवेश, अमित, आचित्य, सर अगर टी इनफाइनाइट होगा तो सर पी 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाए भाई। अगर देखो टी इनफाइनाइट है और ऊपर की जो वैल्यू है वो फाइनाइट है, क्योंकि हमने बोल दिया कि अगर आपका जो सिग्नल है वो एनर्जी सिग्नल है, अगर एनर्जी सिग्नल है तो दिस आपकी ये वाली जो वैल्यू है फाइनाइट हो जाएगी, और फाइनाइट अपॉन टी वेयर टी इज इन्फिनिटी, तो ऑटोमेटिक पी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी सिग्नल है तो एनर्जी सिग्नल की जो एनर्जी है वो फाइनाइट होगी, जब फाइनाइट होगी तो उसके साथ में उसकी जो पावर है वो आपको जाएगी 0। वो वैल्यू कैसे निकालोगे वो मैंने आपको बता दिया। नाउ कम टू द पावर सिग्नल। इफ द सिग्नल इज पावर सिग्नल, सो पावर, व्हाट डू यू मीन बाई पावर सिग्नल? पावर द सिग्नल विच हैज फाइनाइट एवरेज पावर इज कॉल्ड पावर सिग्नल। अब जब पावर सिग्नल हो गया तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? हम उसको यहाँ से निकालेंगे, पी इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 t इंटीग्रेशन माइनस टी टू टी और मॉडुलस ऑफ एक्स टी इज इक्वल डी टी। अब अगर मान लीजिए कह रहा हूँ कि मैं पी की वैल्यू फाइनाइट है, तो पी की वैल्यू फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? देखो आपकी टी फाइनाइट है क्योंकि टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर की वैल्यू है ये भी आपकी इनफाइनाइट होगी, ये भी आपकी इनफाइनाइट होगी, तभी आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को फॉर्म बनेगा। और अगर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को फॉर्म बनेगा तब जा करके आपकी जो पी की वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी सिग्नल है और उसकी पावर फाइनाइट है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट होगी। तो एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल ये बहुत ही, इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समझने के लिए आपके पास फार्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर आप फार्मूले के बारे में पता है तब जो है आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट एनर्जी है वाला सिग्नल है तो उसकी पावर कितनी होगी, अगर आपके पास फाइनाइट पावर पावर वाला सिग्नल है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको समझना है, ये जो डिफरेंस है ये आपको समझना है। तो ये चीजें आपको समझ में आती कि नहीं आती? यस सर, अच्छा, यस सर ओके। समझ में। तो यस सर कहने समझ मतलब में। ये, हाँ, तो कहने मतलब बेटा ये है कि आप इन चीजों को, अभी मेरी जो स्पीड है थोड़ी सी स्लो है क्योंकि पहले हम बेस बनाते हैं, पहले हम बेस बनाएंगे तब जाकर के धीमे धीमे हम पर्टिकुलर चीजों को उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम में देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम तो बात की बात है, पहले आपको ये समझना है कि सिग्नल क्या होते हैं, हम उसको सिग्नल को कैसे डिफाइन करते हैं, सिग्नल को किस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे, हम सिग्नल को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, सिग्नल अगर हमारा पीरियोडिक है तो कैसे हम उसको एनालिसिस करेंगे, हमारा सिग्नल अगर नॉन पीरियोडिक है तो हम उसको कैसे एनालिसिस करेंगे। क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका जो मेन रोल होता है वो फिल्टर का होता है, फिल्टर फिल्टर बेसिकली हमारा फ्रिक्वेंसी डोमेन पे ज़्यादा वर्क करता है। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन पे वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले, हम जिस सिग्नल्स को हम फिल्टर से पास कराएंगे तो ऑटोमेटिक पहले हमें सिग्नल्स के टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशंस को पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे, तब जा करके हम उसको फिल्टर में उसको अप्लाई कर सकेंगे, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो बेसिक फंडामेंटल आपका जो नॉलेज है ये पहले आप स्ट्रांग करो, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। तो कहने मतलब ये हुआ कि पीपीटी आपके पास तो पहले से पड़ी हुई है, नेक्स्ट क्लास में मैं मॉड्यूलेशन के टाइप्स में बताऊंगा, मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं, मॉड्यूलेशन किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, मॉड्यूलेशन कैरियर के कौन कौन से फीचर्स के हिसाब से
कौन कौन से मॉड्यूलेशन प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, कितने कितने प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं। तो कहने मतलब ये होगा कि आपका जो मॉड्यूलेशन का जो ब्रीफ सर्वे है, ब्रीफ सर्वे का मतलब ये होगा कि हम पहले एएम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जाएंगे, फिर आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जाएंगे, फिर आपका पैम है, फिर आपका PWM है, फिर आपका DEM है, फिर आपका PCM है। तो बहुत सारे मॉड्यूलेशंस हैं। तो सबसे पहले हाँ, पर्पज आपका वही है, आपका जो पर्पज वही है। पर्पज क्या है कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में हम सिग्नल्स को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक कैसे पहुंचाना है, तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, है ना। अब हमारा सिग्नल्स को जो है, अच्छा एक तो तरीका, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे और आपके बीच में 50 मीटर की जो डिस्टेंस है ना, 50 मीटर की जो डिस्टेंस है, तो एक तो तरीका ये है कि मैंने आप पर्टिकुलर उस प्लेन पेपर में एक छोटा सा स्टोन बांध करके मैंने उसको आप तक फेंक दिया, तो आप तक पहुंच जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि हम उस पर्टिकुलर प्लेन पेपर को किसी दूसरे मेथड में हम उसको रोल करके भी उसको एक आपके पास तक पहुंचा सकते हैं, तो वो एक अलग मेथड हो गया, है ना। हम उसको हाई स्पीड में भेज सकते हैं, एक अलग मेथड हो गया। हम उसको आपके जो इंफॉर्मेशन है उसको पीस कर करके जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट मेथड। आपका मेथड वही है, आपका पर्पज वही है। पर्पज क्या है, आपका पर्पज क्या है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो सिग्नल है वो आप तक पहुंचे, है ना। तो पर्पज कहने मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन सिस्टम में द ओनली पर्पज इज दैट हाउ वी कैन सेंड एनी मैसेज सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। सो पर्पज विल बी सेम बट मेथड मे बी डिफरेंट। सो डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर वेव वी कैन डिसाइड विच टाइप ऑफ द मॉड्यूलेशन दैट यू आर यूजिंग, है ना। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट विच विच यू हैव टू स्टडी इन पर्टिकुलर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में ये समझने की कोशिश करेंगे कि मॉड्यूलेशन को और कितने मेथड से जानते हैं और किन किन नामों से जाना जाएगा, राइट। इसमें अभी अगर आपको यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो देन यू कैन आस्क। नो सर, चलो फिर आज की सेवा यहीं तक, और बाकी जो है मैं नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूलेशन का जो क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, राइट। ओके सर, ओके, थैंक यू, ओके थैंक यू सर, सर, थैंक यू, थैंक गुड यू सर, आफ्टरनून सर। हाँ, गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।